टेक्निक्स और आलमी। आज मैं आपको बताऊंगा कि रिकॉर्डिंग के लिए बेस्ट सॉफ्टवेयर क्या है। आप अपने पीसी की जो स्क्रीन है उसको कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसमें अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे, और बैकग्राउंड में म्यूजिक भी उसमें आप दे सकते हैं। उसमें एडिटिंग भी बहुत अच्छी हो जाती है, नॉइस वगैरह रिमूव हो जाती हैं। तो ये एक बहुत ही सिंपल इजी सा सॉफ्टवेयर है। आप इन स्टेप्स को फॉलो करें तो आप इसको इजीली इंस्टॉल कर लेंगे और आप बिल्कुल अच्छे तरीके से किसी भी लैपटॉप की या पीसी की जो है ना वो एलसीडी को कॉपी कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके लिए आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, और जो फ्रेंड्स न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको मेरी आइंदा आने वाली नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप गूगल में आ जाएं। यहाँ पे आपने सर्च करना है फ्री कैम, फ्री कैम रिकॉर्डर आ जाएगा, फ्री कैम लिख के एंटर करें। ये फ्री कैम रिकॉर्डिंग डॉट कॉम ये साइट है, इसको आप क्लिक कर दें। अच्छा, यहाँ पर आपने अपना ईमेल देना है। जो आपका ईमेल होगा उसको आप ईमेल देंगे और डाउनलोड कर लेंगे। मैंने क्योंकि ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है तो मैं अभी इसको नहीं करूँगा, और ये सिंपल वे से डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद ये क्या इसकी शेप आती है वो मैं आपको बता देता हूँ, और इसमें फंक्शंस क्या क्या हैं, किस तरह काम करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो डाउनलोड होने के बाद ये इसका लोगो आ जाएगा, फ्री कैम 8। इसको आप ओपन करेंगे, ये इसका डिस्प्ले होगा। अब इसमें आपने न्यू रिकॉर्डिंग इसको क्लिक करना है, ये इसका फ्रेम ओपन हो जाएगा जो मैंने अपनी पिक्चर में भी दिया हुआ है। और इसमें आपने अगर एक स्पेसिफिक एरिया को रिकॉर्ड करना है तो आप इसको ये देखें जितना चाहें उतना रख सकते हैं। अगर आपने फुल स्क्रीन को करना है तो यहाँ से आप इस ऑप्शन से फुल स्क्रीन कर देंगे। आप देखें ये फुल स्क्रीन सेलेक्ट हो गई है, तो इसको आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके बाद इसकी ये सेटिंग्स हैं, ये इसकी ये पॉज और रिज्यूम का F9 से ये आप इसको पॉज करेंगे, रिज्यूम करेंगे। स्टॉप के लिए एस्केप है, और डिस्कर्ड रिकॉर्डिंग ख़त्म करने के लिए F10 है। ये माइक्रोफोन इसका है, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये देखें इसकी ये सेटिंग में मज़ीद आप जाके इसको कर सकते हैं। ये हमने ओके कर दिया। अब इस पे आप कोई छोटी सी हम इसमें बना लेते हैं, इसको ऑन कर देंगे। ये देखें 1 2 3, और इस पे ये अब स्टार्ट हो गया है। स्टार्टिंग में हम दो चार पॉइंट्स की ही बनाएंगे ताकि आपको बता सकें। इसको स्केप कर देंगे तो ये इसका व्यू आ जाएगा, ये हमारा व्यू रिकॉर्ड हो गया। अब इसमें आप देखें ये इसका जो ऊपर बना हुआ इसको क्लिक करें, ये एक्सपोर्ट है। इसको आप ये YouTube पे डायरेक्ट भी अपलोड कर सकते हैं, और ये अगर आपने इसमें कोई देखें 1 2 3 करनी है तो आप होम पे जाएंगे। पहले ये होम है, इसमें ये एडिट का है, इसको क्लिक करें। ये देखें ये हमारे पास इसका ओपन हो गया, और इसमें ये फिर होम का बटन साथ लिखा हुआ है। ये रिमूव नॉइस का है, इसको आप यहाँ से सारा सेलेक्ट कर लें, इस तरह से होम पे जाएंगे। और ये ट्रिम का पहले हम इसको रिमूव करेंगे, ये देखें ये इसका नॉइस रिमूव हो गया। और फिर हमने ट्रिम करना है तो जितना हमने
चाहिए, हम चाहते हैं कि इतना हमें चाहिए, इसको आप ट्रिम कर दें, ये देखें ये हमारा इतना रह गया। वॉल्यूम एडजस्ट है, इसमें आप आवाज़ कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, ये देखें। तो ये बड़ा सिंपल सा है और इसमें बहुत इजी रिकॉर्डिंग हो जाती है। ये आप प्ले भी करके हम चेक कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें ज़रूरत नहीं है, इसको क्रॉस कर देंगे, डोंट सेव। अच्छा, यहाँ ये आपकी बनेगी तो इसको आपने यहाँ से एक्सपोर्ट करना है और ये फाइल आपने सेव कर लेनी है, ये देखिए ये हमारी फाइल सेव हो गई है, ये आ गई है, इसको आप जैसे मर्जी यूज कर सकते हैं। तो ये थी फ्रेंड्स आज की हमारी एक छोटी सी वीडियो, जो मुझे उम्मीद है आपको काफ़ी हेल्प करेगी। मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को वॉच कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।